काटो, गर्दन नहीं काटती है, बाल काटना है प्लीज। ये देखो ऐसे, ये हमारा अब हेड हमारा यहाँ पे ऐसे आएगा, प्लीज देख लो। कान के पीछे से हमने गाइडलाइन ली और कान के ऊपर से हमने काटना है और शोल्डर से टच करते हुए काटना है, ठीक है। पीछे स्ट्रेट हुआ, साइड से स्ट्रेट हुआ, अब दूसरी साइड से हम जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऐसे हेड रहेगा, कान के पीछे से गाइडलाइन ली और कान के आगे से, कान के ऊपर से हमारा डिग्री थोड़ी चेंज हो जाती है, 45 डिग्री हो जाती है। ऐसे नहीं कि पहले कान काटेंगे उसके बाद हेयर कट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिग्री हमारी चेंज हो गई है, 45 डिग्री कान की वजह से 45 डिग्री हो जाती है। ये क्या हुआ, हमारा बेस तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले ईयर टू ईयर, पीछे से सेंटर, ऐसे रखें। अब ये हमने हाफ हाफ आईब्रोज लेनी है आगे से, ये लिया हमने स्ट्रेट हेड टाइट, यहाँ पे लेना है। उसके बाद ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करेंगे, नोज़ के सामने ला के काटेंगे। उसके बाद फिर से सेक्शन लिया, सेक्शन लिया, सेक्शन लिया हमने, उसके बाद स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमारा लास्ट सेक्शन बचा है, यहाँ पे ये लास्ट सेक्शन बचा है, इसको अभी हमने कान के अंदर से निकालना है ऐसे करके, और गाइडलाइन फॉलो करनी है, फॉलो द गाइडलाइन, स्ट्रेट नोज के सामने लाके काटेंगे इसको भी। अब ये इस साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेंथ हमारी शॉर्ट नहीं हुई है, प्लीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेंथ हमारी शॉर्ट नहीं है, लेंथ हमारी एज इट इज़ है, आपको दिखा देता हूँ मैं आगे से, बहुत अच्छी लेयर आएगी, ऐसे रखो, आगे से बहुत अच्छा लुक आएगा इनका, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लुक आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, उसके बाद सेम आपने गाइडलाइन लेनी है, ये गाइडलाइन ली, ठीक है, गाइडलाइन ली, पीछे से सेक्शन जैसे हमने उस साइड का बनाया था, सेम सेक्शन आपने बनाना है, सेम सेक्शन बनाना है। इसको हमने हाफ लेना है, स्ट्रेट लिया सेक्शन, स्ट्रेट लिया हमने, उसके बाद हेड हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, और ये भी आपने नोज के सामने ला के काटना है, जैसे हमने इस साइड का काटा था वैसे ही सेम इस साइड का काटना है, ठीक है। उसके बाद ये हमने सेक्शन इधर छोड़ दिया, फिर से हमने जो हमने लिया था गाइडलाइन ली थी उसको फॉलो करना है, हेड हमारा स्ट्रेट जाएगा, हेड हमारा स्ट्रेट जाएगा, नोज़ के सामने एकदम फिंगर स्ट्रेट लेके आनी है, जो गाइडलाइन है काट दो। उसके बाद ये हो गया हमारा सेक्शन, लास्ट सेक्शन हुआ है हमारा, इसको भी आगे ला के काटना है, सेम कान के अंदर से बाल निकाल के उसको नोज़ के सामने ला के काटेंगे, स्ट्रेट होना चाहिए, फॉलो द गाइडलाइन, ठीक है। प्रोफेशनल कटिंग।